हेलो गाइस, वेलकम टू Dktech। Dktech में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये फ़ोन की बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में है जो शायद आप लोग नहीं जानते और वो फीचर्स आपके फ़ोन में पहले से ही होते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होते हैं और शायद आपको पता नहीं होता। तो अब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि मतलब अमेजिंग फीचर्स फ़ोन के बारे में, तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि मतलब लोगों ने और भी वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कुछ गेम्स का अलग से बना रखा है और मतलब सेटिंग्स वगैरह में जाके जो पहले से इंस्टॉल होते हैं फीचर्स वो अलग बना रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों बताऊँगा, मतलब कि जो आपके ये गेम्स के बारे में भी बताऊँगा कि कौन कौन से गेम पहले से इंस्टॉल होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता, और कौन कौन सी ऐप्स और या सेटिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल Dktech को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की अमेजिंग ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर। तो फ्रेंड्स चलिए हम देख लेते हैं अपनी पहली ट्रिक जो कि हमारे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल होती है, हमें पता नहीं था। तो फ्रेंड्स चलिए मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगा गेम्स से। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से गेम्स हैं जो मतलब होते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा एंड्रॉयड है 6.0, तो पहला जो गेम है वो एंड्रॉयड से रिलेटेड है, जो अभी आपके मोबाइल का गेम होगा सेटिंग्स में अबाउट फ़ोन में एंड्रॉयड होगा वो आपके लिए आपके मोबाइल में होगा। ये देखिए, मैं जैसा कि आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 6.0.1, इस पर टैप कीजिए 2-3 बार। ये देखिए ऐसा आया मेरा जैसे मार्शमैलो है, इस पर थोड़ी देर क्लिक रखिए और ये देखिए गेम चालू। जो भी एंड्रॉयड होगा फ्रेंड्स आपके में वो ही गेम होगा। ये देखिए इसे हमें ऐसे क्रॉस करना, ये हम टाइम पास के लिए खेल सकते हैं, पहले से इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये रही दूसरी पहली बात, अब देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरी बात के लिए हमें अपना नेट ऑफ करना पड़ेगा, देख लीजिए। चलिए मैं बंद कर देता हूँ, आइए देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर, ठीक है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ भी सर्च किया, सपोज दैट मैंने यूट्यूब सर्च किया, यहाँ पे कुछ नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, लगता है कोई दिक्कत हो गई, एक मिनट, हमने यूट्यूब से सर्च किया कुछ। अच्छा फ्रेंड्स ये मेरा ऐप पहले से मतलब ऐप है इसलिए वो हो रहा है, कोई और वेबसाइट सर्च कर लेते हैं वाईफाई के, ये कुछ है फेक के वगैरह मैंने बना रखी है इस पर भी। देखिए फ्रेंड्स यार डायनासोर, इस पर टैप कीजिए, ये देखिए चलने लग गया। अब हमें इसे कैक्टस से बचाना है, बस यही आपको इसमें हाई स्कोर बनाना होता है और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा दूसरा गेम। ठीक है अब बारी है, अब फ्रेंड्स गेम्स तो ये हो गए, और भी हैं एक दो गेम्स, वो मेरे को बकवास लगे, मतलब वो ऑनलाइन है नेट से होते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दो हो गए, अब फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी ट्रिक्स की तरफ कि जो हमारे मोबाइल में होते हैं और हमें नहीं पता होता, तो इसके लिए हमें सेटिंग्स में जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, एक फ्रेंड्स ऑप्शन होता है यूजर्स का, पर वो मेरे मोबाइल में है नहीं, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप ये देख लीजिए क्या नाम है इसका, ये मोटोरोला आईडी, ये फ्रेंड्स इसमें ना आप साइन अप कर लीजिए, इससे क्या होगा नेट ऑन कर लेते हैं, इससे क्या होगा फ्रेंड्स जो भी आपके अपडेट वर्जन वगैरह होगा ना वो यहाँ पे मतलब आपको ये मोटोरोला, जिस मेरा फ़ोन मोटोरोला का है तो मैं मोटोरोला वाले मेरे को अपडेट वर्जन भेजते रहेंगे एंड्रॉयड का, और भी बहुत फीचर्स हैं, खैर मैं अभी नहीं कर रहा। चलिए देख लेते और क्या फ्रेंड्स, आपको सेटिंग्स में और जाना है, एक्सेसिबिलिटीज में जाना है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप कलर इन्वर्जन, इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें ये है कि आप अगर नाइट मोड में यूज़ कर रहे हैं अपना मोबाइल तब आपके लिए बहुत बढ़िया है। देख रहे फ्रेंड्स क्या हो गया, यही है बस दो फ्रेंड्स इसका, कि आप नाइट मोड में आपके आँखों पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहा, और हम चलते हैं अपने एक और ट्रिक के पास। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ट्रिक क्या है, ये रहा मैग्निफिकेशन गेस्टर्स, देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस पर आपको ऑन करना है और जहाँ पे भी आपको जूम करना होता है फ्रेंड्स, ये जूम के लिए है, वहाँ पे आप 3 बार टैप कीजिए, ये देख रहे हैं आप जूम हो गया। ठीक है अब ये जूम करके खुलेगा, ठीक है फ्रेंड्स ऐसे करके जूम, ठीक है आई होप ये देखिए जैसे कि
आई होप आपको समझ में आ गया होगा उसे ऑन करके तीन बार करना है टैप। हम कहीं पे भी जो हुआ आपको जूम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये बहुत काम की ट्रिक है। और फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपनी लास्ट ट्रिक की ओर, चलिए क्या है देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको जाना होगा अपने फ्रेंड्स उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में, उसके बाद सिक्योरिटी में, ये रहा ठीक है फ्रेंड्स। और ये रहा आपका स्क्रीन पिनिंग, ये देख रहे हैं आप ठीक है फ्रेंड्स। ये किस लिए काम आती है वो देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप, जैसे कि इसे आप ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसे ऑन करने से क्या होगा मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे मान लिया आपका कोई दोस्त है, आपको उसको फ़ोन देना है, दोस्त है रिलेटिव है कोई भी, तो आप फ़ोन देने में हिचकिचाते हैं। वो सपोज दैट आपसे मांगता है कि भाई मेरे को ये काम करना है, मतलब या जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है या फिर बस एमएक्स प्लेयर में और कुछ नहीं छेड़ना, तो आपको डर रहता है कि और कुछ ना छोड़ मतलब छेड़ दे वो, कि मतलब आपकी जो भी प्राइवेसी हो वो चेक हो जाए। तो फ्रेंड्स उसके लिए मेरे पास है, तो ये उसी के लिए काम आता है स्क्रीन पिनिंग। देख लीजिए सपोज दैट मेरे को अपने फ्रेंड को एमएक्स प्लेयर देना है, ठीक है एमएक्स प्लेयर उसको चलाने के लिए देना है, और वो मैं चाहता हूँ कि और कुछ ना वो छेड़े। तो मैं क्या करूँगा देखते हैं कि बस उसे और कुछ ना दिखे। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स ये देखिए आप ऐसे कीजिए इसे, मतलब जो भी मल्टी स्क्रीन्स, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स लगता है कुछ गड़बड़ है, ये देखिए ये आए, और ये देख रहे फ्रेंड्स आप स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन, ये रहा इस पर आप क्लिक कर दीजिए ठीक है, और ये ऑन हो गई ठीक है गॉट इट। अब फ्रेंड्स आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये आपको बैक नहीं जान देगा, देख रहे हैं आप, ये आप बस यहीं पे रहेंगे और कहीं नहीं। ये देखिए ऊपर से स्क्रॉल डाउन भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं फ्रेंड्स। आप यहाँ पे इस ऐप में रह के आप कुछ भी कर सकते हैं, डीकेटेक जैसे कि आप देख लीजिए, मैं बैक जाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जो वन पिन नहीं है, स्क्रीन टच एंड होल्ड ठीक है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको लॉक मैं करके दिखा देता हूँ, आपने लॉक कर दिया फ्रेंड्स, अब देखिए यहीं पे वापस यहीं पे ठीक है फ्रेंड्स। आप कुछ भी नहीं, और इससे बचने के लिए ये देखिए, मतलब आपको इसको बंद करना है तो ये बैक बटन और ये मल्टी स्क्रीन दोनों एक साथ ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट ये आ गए आप वापस ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आ गए ना आप, ये देख लीजिए आप बैक आ चुके हैं। अभी से ऑफ कर दीजिए, हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं ठीक है फ्रेंड्स। देख रहे हैं आप कितना बेहतरीन ऑप्शन है फ्रेंड्स। शायद मैंने इसे लास्ट ऑप्शन बताया था, पर आई एम सॉरी मैं भूल गया था, एक ऑप्शन और है एक दो, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ कि अब वो ये दो जो ऑप्शन है ये है फ्रेंड्स आपके कैमरे के बारे में ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैमरे में क्या है, कैमरे से तो बस फोटो वगैरह खींचते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी कैमरे कैसे हम और भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स आपके पास अगर रिमोट है कि वो चल रहा है नहीं चल रहा है, जैसे टीवी का रिमोट हमें होते शक, तो कैमरा ऑन कीजिए ऐसे ही, और रिमोट का कोई भी बटन दबाइए तो आपको दिख जाएगा कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा। मेरे पास फ्रेंड्स रिमोट है नहीं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। आप कोई भी की दबा के रखे उस रिमोट की लाइट आपने कभी जलती हुई नहीं देखी होगी, पर कैमरे की वजह से आप उसे जलती हुई देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो हाँ चल रही है ठीक है फ्रेंड्स। ये थी, और मैं आपको एक दो और दिखा दी। जैसे फ्रेंड्स आपके में बहुत लोगों के मोबाइल में होता है गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन, पर मेरे में नहीं था तो मैंने इंस्टॉल किया, ये भी बहुत अच्छा लगा। ट्रांसलेट क्या फ्रेंड्स, आपके पास नेट होना चाहिए, उससे क्या होगा फ्रेंड्स देखिए, आप जैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे फ्रेंड्स मैं कुछ बोलता हूँ, हेलो मोटो, वो सॉरी फ्रेंड्स लगता है मेरा सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है फ्रेंड्स, सॉरी एंड सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो कोई बात नहीं, आप इससे यहाँ पर जैसे टेक्स्ट भी टाइप करेंगे, हेलो फ्रेंड्स ये नाइट सी चल रहा है एंड सॉरी, कौन है सॉरी फ्रेंड्स, मेरे को अर्जेंटली एक काम पड़ गया है तो मैं आपको थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी बता देता हूँ।
फ्रेंड्स ये ट्रांसलेट में क्या है, आप ये कैमरा का ऑप्शन देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, इस पर क्या है आपको जो भी हिंदी वर्ड्स है ना वो इंग्लिश में दिखेंगे, और आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके उधर हिंदी करते हैं तो इंग्लिश के वर्ड जो भी है हिंदी में दिखेंगे बिल्कुल क्लियर। आप प्ले स्टोर पर इसे देखिए, उसके स्क्रीन शॉट देख लीजिए दोस्तों, आपको सब समझ में आ जाएगा। आई एम सॉरी मेरे पास नेट कनेक्शन भी मतलब स्लो चल रहा बहुत ही, तो और मतलब इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। फ्रेंड्स दूसरी ट्रिक क्या है कि आप ये यहाँ पे एक डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिए, हिंग खोज के नाम से डिक्शनरी है ये। इसमें क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए आपको सर्च वर्ड करना है, उसके बाद ये आप वर्ड स्कैनर देख रहे हैं, मैं फ्रेंड्स ज़रा बाहर हूँ तो ये दिखा रहा हूँ, वरना आप इस पर कीजिए और जो भी वर्ड्स हैं आपको मिल जाएगा, मतलब आपको उसकी मीनिंग एग्जैक्ट मिल जाएगी फ़ोटो खींच के। आप मतलब आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट किया उस वर्ड पर क्लिक कीजिए, उसकी मीनिंग आपको नीचे मिल जाएगी। फ्रेंड्स ये थे कैमरे के 2-3 ट्रिक्स, आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।